आवास में आज हम नया चैप्टर लिख रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है गैर केनीय ला कोसा। तो इसमें सबसे पहले हम आज जानेंगे बल क्या है। ध्यान से सुनिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। द्वारा सुनिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करें बल कहलाता है। और इसे अच्छा एप से नोट करते हैं, ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाई होता है। अब आगे इसके आगे बल के प्रभाव, देखिए बल के चार और बल के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो सुनिए। बल वस्तु के आकार को बदल सकता है या उसकी वस्तु की गति को रोक सकता है। दूसरा है, बल जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और गतिमान वस्तु के चाल की दिशा को भी बदल सकता है। अर्थात बल के कई प्रभाव है। पहला हमने कहा कि बल वस्तु के क्या है, आकार को बदल सकता है, यानी वो किसी वस्तु में जब बरकत आती है तो उस बल के कारण वस्तु का आकार बदल सकता है, ठीक है। और बल किसी गतिशील वस्तु की गति को रोक सकता है। और बल क्या कर सकता है, बल किसी स्थित वस्तु को गतिमान कर सकता है और बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार बल क्या है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करके या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करें बल कहलाता है। और बल को सदैव अच्छा ऐसे विनोद करें। और ये एक सदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक के ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक निकल होता है तथा सीरियस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। इसी में आगे बढ़ते हुए आते हैं, देखिए न्यूटन ने इस बल से संबंधित एक नियम दिया था। तो हम आप सबसे पहले आते हैं न्यूटन के गति चक्र पर। न्यूटन के अनुसार क्या, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसे न्यूटन का गतिज प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोबारा सुनिए, यदि कोई वस्तु क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी अथवा गतिशील है तो वो गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे ही न्यूटन का गतिज प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जाता है। अब इसी से आते हैं न्यूटन का गतिशक्ति नियम। न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा लगाए गए बल की दिशा में होती है। अर्थात देखिए सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे, माना एम द्रव्यमान पी
गगनयान की वस्तु प्राप्त करावे, हम गगनयान की वस्तु प्राप्त करावे। वे आज हमने इसमें क्या सबसे पहले पढ़ा कि भाव
बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने या परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, बल कहलाता है। चूंकि बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई पद्धति में मात्रक यूनिट होता है तथा सीजीएस पद्धति में बल की यूनिट ड्राइंग होती है। इसके बाद हमने कहा कि बल के प्रभाव। देखिए बल क्या है, बल किसी गतिशील वस्तु की गति को रोक सकता है। नंबर दो, बल क्या है, बल किसी स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है। बल क्या है, किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार बल का प्रभाव पड़ता है। इसी के अंतर्गत आगे आते हैं, क्या न्यूटन ने गति विषय अपने तीन नियम दिए थे, जिनमें से पहला नियम है न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम। न्यूटन के अनुसार इसमें क्या होता है, उनका कहना यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, अथवा वो गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया। इसे न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसी नियम में न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम। अब न्यूटन के अनुसार इस नियम में देखिए क्या होता है, न्यूटन के अनुसार ठीक है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग की दिशा या संवेग में परिवर्तन जो होगा वह बल की दिशा में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका सूत्र बनता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण अर्थात एफ इक्वल एम ए। अब इसी को कैसे सिद्ध करना है फिर द्वारा देख लीजिए। हमने कहा माना है द्रव्यमान कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 इक्वल कितना रहेगा m u, और फिर दोबारा देखिए वस्तु का अंतिम संवेग क्या बनेगा p2 इक्वल m v। अब ये दोनों को क्या संवेग परिवर्तन निकाल लेंगे तो हम P2 में डेल P इक्वल कर सकते हैं, डेल P इक्वल P2 माइनस P1 कर देते हैं। P2 का मान हमारा कितना है एम वी है और माइनस P1 का मान है एम टू, यहाँ पर हमने क्या किया एम कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारा क्या V माइनस U, चूँकि V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं डेल V लिख सकते हैं तो हमने इसके स्थान पर देखिए क्या किया ए बी किया, अपना हमारा ए बी इक्वल एम इंटू ए बी। अब चूंकि दोनों पक्षों में हमने डेल टी से भाग दे दिया है तो यह बना हमारा डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल एम इंटू डेल टी अपॉन डेल टी, चूंकि डेल टी अपॉन डेल टी अर्थात वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल देखे एम को वैसे रहा है इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है समीकरण पर हम समीकरण परिवर्तन की दर से देखिए एक सूत्र का हमारा डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल है ये समीकरण नंबर चार हो गया। अब हम क्या करते हैं समीकरण तीन और चार की आपस में तुलना करा देंगे। तुलना इसलिए कराई जाती रही है क्योंकि दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर, इसलिए हमारा क्या बन जाएगा एफ पर हमने या कि न्यूटन का गति से पूरी दी का फार्मूला है ठीक। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक नमस्कार।